सब लोग पेट्रोल के प्राइस को देख के एक बार जरूर कह रहे हैं बाप रे। लगभग आधे रास्ते में अभी पहुंचा हूं और यहां पहुंचने के बाद लग ही नहीं रहा है कि मैं अभी पहाड़ी रास्ते से, मतलब किसी पहाड़ी क्षेत्र से आ रहा हूं, क्योंकि यहां पे एकदम प्लेन है, एकदम लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी पहाड़ में घूम के अभी आ रहा हूं। रास्ते में बीच में पहाड़ था, मुश्किल से लगभग मैं 27 से 28 किलोमीटर चला हूँ। उतने ही देर में जो लैंड स्ट्रक्चर है सब चेंज हो गया है, यहाँ से रास्ता सिंगल लेन हो गया, नहीं सॉरी डबल लेन ही है। 4 लेन वाले रास्ते पर ड्राइव करने में बड़ा बढ़िया रहता है, क्योंकि चिंता नहीं रहता है कि आगे से गाड़ी आएगी, अपना आराम से ड्राइव करते जाओ एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे, बहुत अच्छा रहता है। ये क्या है यार, बड़ी सी पाइपलाइन है या कोयला जाने का रास्ता है? इधर यही सब हो सकता है, कोयला जाने का रास्ता ही या पाइपलाइन बेल्ट द्वारा कोयला जाता होगा मे बी, अभी पता चल जाएगा क्या है ये। ऊपर बेल्ट तो लगा हुआ है, अब कोयला जाने के लिए है कि क्या जाने के लिए है। मैंने नेक्स्ट टर्न ले लिया है और इस वाले मोड़ पे मुझे लगभग 24 किलोमीटर तक ड्राइव करना है स्ट्रेट एकदम, मतलब इस रास्ते को छोड़ना नहीं है। देखो वो दूर पहाड़ी दिखाई दे रही है, बट अभी इधर आसपास तो कहीं पहाड़ी नहीं है, एकदम प्लेन सरफेस है। लग रहा है मैं किसी गांव में आ गया हूँ, अब ये कौन सा गांव है पता नहीं। मैं माड़ा वाले क्षेत्र में पहुँच गया हूँ, क्योंकि लिखा हुआ था पीछे पुलिस चौकी माड़ा, मतलब मैं माड़ा पहुंच गया हूं, बट मुझे एक्चुअली जहां जाना है वो अभी लगभग आधे घंटे दूर है, अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे। क्या यार, पूरा ट्रेन जैसे हॉर्न लगवाया है। कोयला खूत माड़ा सराय, तो माड़ा के लिए मुझे सीधे जाना है 13 किलोमीटर। एकदम सही जा रहे हैं भाई, कोयला खूत कैसा नाम था। इको एडवेंचर पार्क 6 किलोमीटर, और मुझे जो जाना है वो क्या था, केव, पूरा नाम नहीं याद आ रहा यार, नीचे स्क्रीन पे देखो दिख रहा होगा वही नाम है। और सामने देखो फिर से एकदम पहाड़ी वाले क्षेत्र में आ गया हूँ, और इधर की पहाड़ियाँ तो एकदम नेक्स्ट लेवल ख़तरनाक है भाई साहब। इसके सामने सिंगरौली वाली पहाड़ियाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो भाई गजब। आगे देखो बादल खतरनाक काले हुए हैं, काफ़ी मतलब एक्साइटिंग है, मज़ा आ रहा है। बस साथ के एक दो लोग और होते ना तो काफ़ी अच्छा लगता, अकेले कहीं कहीं थोड़ा सा मतलब सही नहीं लगता है। पहला ब्रेक लिया है मैंने, और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है और माड़ा जहाँ मुझे जाना है, माड़ा मतलब माड़ा वाले एरिया में मैं आ गया हूँ, बट जिस प्लेस पे जाना है, जो केव है, बस यार वो केव ना ओपन हो, और मैंने मास्क अभी इसलिए उतार दिया क्योंकि मेरे अगल बगल कोई नहीं है। और फिर से प्लेन एरिया के बाद से फिर से पहाड़ स्टार्ट हो गया है, बारिश के कारण चारों तरफ हरियाली है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम सुकून है यहाँ पे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट किए थे, अब यहाँ से चलते हैं, और कुछ देर तक रुके थे यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ वगैरह लिए, तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर उसको देख सकते हैं। अब फिर से राइड स्टार्ट करते हैं। पहाड़ और जंगल का झलक दिखने लगा यहाँ से, एकदम क्लियर क्लियर। इधर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, बादलों में काले काले बादल, इधर ये इतना अच्छा रोड, काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ तो एक दिन रुकने लायक। ये लिखा है यहाँ पे इको एडवेंचर पार्क, और यहाँ से मुझे टर्न करके जाना है। मैडम क्या बोल रही हैं, 1.4 किलोमीटर्स। ओके यार, सामने का व्यू देखो यार, ये जो व्यू है ना कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो सकता, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या सुहाना मौसम भी ना उतना अच्छा है, मौसम भी एकदम मस्त है। मैंने थोड़ा रिस्क तो लिया कि बारिश हो सकती है, दिक्कत होगा, बट वो रिस्क सही था। अब बस जो केव हो वो ओपन हो ताकि मैं उसको देख पाऊँ, तो सब कुछ सही हो जाएगा, एकदम आना यहाँ का सफल हो जाएगा।
ये लोग क्या किए हैं, रास्ते में सांप मार रहे हैं क्या? ओ बाप रे। काफी खतरनाक है भैया, काफी बड़ा सांप था ये। क्या है, जय श्री बाल शिक्षा निकेतन मांडा। यहाँ से तो भाई पूरा जंगल वाला रास्ता शुरू हो गया। इसके अकॉर्डिंग मैं बस पहुँचने वाला हूँ 800 मीटर दूर। अरे बाप रे, ये देखो कितना बड़ा है। वाकई काफ़ी अच्छा है भाई। केव कहाँ है भैया? ओ माय गॉड, क्या व्यू है भाई साहब। बस ओपन हो यार, अंदर जाना अलाउड हो, प्लीज गॉड अंदर जाना अलाउड हो, क्योंकि यहाँ से आके वापस जाना अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ये पहाड़ी काफ़ी ऊंची है भाई, लिटरली काफ़ी ऊंची है। आगे तो गेट पे ताला लगा हुआ है, पता नहीं अंदर जाना अलाउड है कि नहीं है। इको पर्यटन स्थल माड़ा, जा सकते हैं कि नहीं? बंद है क्या माड़ा? तो मैं पहुंच गया हूं, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो केव है, जो केव में जाने का रास्ता है वो बंद है, तो अभी तो कुछ किया नहीं जा सकता है। और बता रहे हैं लोग कि मे भी 1 तारीख से ये ओपन हो जाएगा, तो अभी तो आज 24 है और 1 जुलाई से ओपन। वो ठीक है, अभी भैया बता रहे हैं, अपना नाम बताइए आप। उमेश कुमार बैस। उमेश कुमार बैस जी बता रहे हैं कि अभी 1 जुलाई से मे भी खुलेगा, कोई मतलब ये नहीं है एकदम खुल ही जाएगा। और यहाँ का मतलब रास्ते में आपने व्यू तो देखा ही, फिर से पहाड़ से मैंने जो व्यू दिखाया तो वो देखा ही आपने। ये एरिया काफ़ी अच्छी है, घूमने लायक है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये। सिंगरौली से लगभग आपका ये 58 किलोमीटर पड़ा है मुझे आने के लिए, और मैं 10 बजे निकला था और यहाँ पे अभी 12:30 हो रहे हैं, मैं पहुँच गया हूँ सही सलामत, बट बंद है। अभी देखते हैं, भैया से कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं, अगर मिल जाता है तो वो आपको वीडियो में डाल देंगे, तो आप थोड़ा सा इस प्लेस को देख पाएंगे और मैं भी थोड़ा देख पाऊँगा, क्योंकि खैर कुछ नहीं कर सकते, अब सरकार ने बंद किया है तो उस पर अब कुछ तो कर तो सकते नहीं हैं। खैर क्या करें, घूम तो नहीं पाए हैं, बट ये है कि यहाँ पे एक दो लोग मिल गए थे मेरे बलिया के ही, तो उनसे काफ़ी अच्छे से बात हुई, और बलिया में वो भी हमारे जो मेरा जो घर है उस घर के आसपास के मिल गए थे, मतलब मेरा जो गांव है एक्चुअली, उस गांव से लगभग 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर के थे वो, तो ये भी काफ़ी अच्छा हो गया। यहाँ इतनी दूर आए तो कम से कम अपने तरफ का कोई मिल जाता है ना कहीं बाहर, तो काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे लग रहा है अभी गिर जाएगा ये इस साइड, ऐसा पत्थर है। कभी जब सब ओपन हो जाएगा, हर जगह हर सब कुछ अच्छे से ओपन हो जाएगा, कोविड फ्री हो जाएगा इंडिया,
तो ऐसे किसी पहाड़ी पे कहीं भी जाएंगे हाइकिंग ज़रूर करेंगे। आज तो बकायदा पापा वाला शूज़ भी पहन के आए थे।